सोनभद्र में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिसकर्मी ने 100 ग्राम हीरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। पुलिस के द्वारा इस हीरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एडिशनल SP ने बताया कि लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और लगभग महीने भर में भारी मात्रा में हीरोइन पकड़ी गई। इसके साथ ही यह भी प्रयास किया जाए कि हीरोइन कहां से आ रही है, इस बात की भी जानकारी की जा रही है, जिससे उस पर कार्रवाई हो, दूसरे जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लग सके। कितनी बरामद? जनपद सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर इधर काफी दिनों से पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दृष्टिगत निरंतर पुलिस को सफलता मिलती चली जा रही है। अब विगत कुछ दिनों में लगभग आधे करोड़ रुपए तक की अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी अब तक हो चुकी है। इसी क्रम में कल जनपद की थाना करमा की पुलिस टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। लगभग 10 लाख कीमत वाली ये अवैध मादक पदार्थ इसमें हीरोइन की बरामदगी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस गिरफ्तारी में एक हमारा वांछित फरार भी हो गया है, जिसकी पुलिस द्वारा विवेचना करके उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये निरंतर जो कार्रवाई पुलिस द्वारा कराया जा रहा है, इससे जनपद सोनभद्र में ये जो अवैध कारोबार चल रहा है इस पे रोक लगेगी और अपराध को भी हम नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। सर, ये माल कहाँ जा रहा है, इसके लिए कोई जानकारी मिल पा रही है? ये अभी तक जो विवेचनाएं हो रही हैं, इसमें से कुछ क्लू मिले हुए हैं, पुलिस उस पर काम कर रही है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। कितनी कीमत है सर इसकी? ये आज की जो माल की बरामदगी जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ये लगभग इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए है।